जाने तो नहीं जाने जी श्याक साहब, आप बताएंगे कि ये मछली आपको कहाँ से मिली और ये किस तरह आपको पता लगा? आया ना जुमरात को हमारा कराची से, तो हमारे चार कार्टन आए थे कराची से ना, तो हमने पहला कार्टन खोला, एक मछली साफ करी, ये दोबारा जब कार्टन खोला ना ये दाना ऊपर ही था, मैंने इस पर देखा कलमा, फिर मैंने अपने भाई को बताया कि जिसमें कुछ लिखा हुआ कलमा, फिर मैंने बड़े भाई को बुलाया इनको अमजद साहब को, तो इन्होंने देखा जी मुझे, अब तस्दीक करी कि वाकई इस मछली पर कलमा लिखा हुआ जी, फिर इसमें हमने बाहर अखबार वगैरह को दिया, बाहर रखी तो माशाल्लाह राजपुर शुरू हो गया था, बड़े भी दूर से लोग देखने आए मछली को। ये आपको किस तरह पता लगा कि आपने पैकिंग खोली आपको? हाँ जी, पैकिंग खोली ना, ये दाना ऊपर ही था, तो इस कुछ वादे तौर पे ना उभरा हुआ कोई नज़र आई, मैं कहा ये कलमा शरीफ है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया मछली को, तो फिर मैंने इनको भाई को बुलाया, मैं कहा देखो जिसमें कलमा शरीफ लिखा है मछली का। अच्छा, आप हमें उस मछली को दिखाएंगे जरा? हाँ जी, ताकि तमाम पाकिस्तान के नाज़रीन इसको देख सके। ये है, ये मछली है जी, एक जी। अब ये तीन चार दिन से ना इस पर कुछ कमी आ गई है, लड़कों ने उंगलियों वगैरह मार गए हैं जी, तो ये कलमा शरीफ लिखा हुआ आप सैड कर देते हैं, पकड़ें ये देखें जी, देखें ये देख ला, अल्लाह बिल्कुल वादे लिखा है, आजकल के मादी और मशीनी दौर ने जहां इंसान को बेशुमार सहूलियात फराहम की हैं, वहीं इस दुनिया के शहर में गिरफ्तार इंसान अल्लाह सुबहाना व ताला उसके दीन से दूर होता जा रहा है, इस वजह से हर दौर में और आज भी उस ज़ात पाक के मौजज़ात नमूदार होते हैं, ताकि हम दुनिया में उस ज़ात पाक के बताए हुए राय हिदायत से
नाता जोड़े रखें और दुनिया के अलावा अपनी आखिरत का सामान भी तैयार रखें। रावलपिंडी के बाजार करतारपुरा में मौजूद इस मछली के बदन पर कलमा तैयबा का नक्श नमुदार होना एक ऐसा ही मौजज़ा है जो हमें अल्लाह सुबहाना व ताला की वाहदानियत और रबूबियत का यकीन दिलाता है। इस वाक़े से न सिर्फ अहले इलाका का ईमान ताज़ा हुआ बल्कि दूर दराज से लोग आकर इस मौजज़े के दीदार से अपनी आँखों को जिला बख्श रहे हैं। कैमरामैन शहजाद ऐवान के साथ रिजवान शाह, हक टीवी, रावलपिंडी।